हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं भूगोल। भूगोल से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो तीन लिखा हुआ, लेकिन एक का आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला है प्रदूषित जल या दूषित जल, ठीक। प्रदूषित जल कहें या दूषित जल कहें, तो और दूषित जल के क्या कारण है ये बताना। इसके चार कारण है, ठीक है। पहला घरेलू कूड़ा करकट, घरेलू कूड़ा करके लोग क्या करते हैं, जल में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है उसको औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ को भी जल में फेंकने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। फिर नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल। अब नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल क्या किया जाता है, नालियों द्वारा नदियों तालाबों झीलों में गिरा दिया जाता है, तो उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और चौथा है परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। तो परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं ये भी क्या है, जल परिवहन का एक मुख्य कारण है। अब नेक्स्ट है दूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक। जैसे जो जल जो है वो मानव जीवन के लिए एक अत्यंत ही लाभकारी है, ठीक है। अब जल को दूषित, ठीक है, जल अच्छा भी होता है और ख़राब होता है। तो जल अच्छा है स्वच्छ है, और जो दूषित है ख़राब है सो दूषित है। तो वैसे जल जो पीने लायक नहीं है और तब वैसे जल को पीते हैं, ठीक है, तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे पहला उल्टी आना, ठीक है। दूषित जल पीने से क्या होता है, उल्टी आना होता है ना, उल्टी की बीमारी, ठीक है। एक तरह से उल्टी है कि जी क्या होगा, मचलेगा और उल्टी होगा। उसके बाद दूसरा है किडनी का खराब होना। खराब जल को पीने से किडनी क्या होता है, खराब होता है। उसके बाद पेट का दर्द, दूषित जल को पीने से पेट दर्द की बीमारी होती है। उसके बाद दूषित जल पीने से सिर दर्द की भी बीमारी होती है। दूषित जल पीने से डायरिया की बीमारी होती है। दूषित जल पीने से क्या होता है, छाती का दर्द होता है, ठीक है, सीना का दर्द होता है। फिर नेक्स्ट है हड्डी का विकृति होती है, दूषित जल पीने से हड्डी की विकृति होती है। नेक्स्ट है फिर वजन का घटना, वजन का घटना भी क्या है, दूषित जल के उपयोग का एक कारण है। फिर उसके बाद है दिमागी विकृति। इतना जो सब है बीमारी, ये सब क्या है, दूषित जल पीने से इतनी बीमारियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को संग्रहित करना एवं जल को बर्बाद होने से बचाने के उपाय को बताए। तो जल को संग्रहित करना एवं जल को बर्बाद होने से बचाने के उपाय जो है वो फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जल को संग्रहित करना एवं बर्बाद होने से बचाने के उपाय, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तथा वीडियो में न रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।